संभल में एसपी की अगुवाई में पुलिस अमले ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने संवेदनशील इलाके में मार्च कर पुलिस बल की ताकत का एहसास कराया है। किसान आंदोलन का कल का आहूत चक्का जाम और त्यौहार मार्च की वजह समझे जा रहे हैं। हालांकि एसपी ने त्यौहारों की वजह से मार्च बताया है। संभल शहर इलाके में एसपी चक्रेश मिश्रा आज पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च पर निकले। पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील इलाके में खासकर मार्च किया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार और त्योहारों के मद्देनजर मार्च किया गया, अभियान जारी रहेगा। संभल कस्बे के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक पैदल मार्च किया है। ये शुक्रवार के दिन यहाँ सेंसिटिव रहता है, इसको देखते हुए किया गया। साथ में जो होली का त्यौहार आने वाला है उसकी तैयारियों के लिए जो रूट रहता है उसका निरीक्षण किया गया, कहाँ पर किस तरह की ड्यूटी लगनी है इसके बारे में जानकारी हासिल की गई, जो लोकल समस्याएं उनके बारे में बातचीत की गई। इस तरह की हम लोगों की तैयारियां होली तक चलती रहेंगी, जिससे कि सभी तरह की शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके और जो भी आने वाले त्यौहार हैं वो अच्छे से मनाए जा सके।